हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी कुछ प्रीवियस ईयर के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज 31 दिसंबर 2019 के शिफ्ट 1 में हुए सीपीसीटी क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू कर दें, ये क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि अभी जो पैटर्न देखा जा रहा है वो सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो टॉपिक्स हैं वहां से पूछ रहा है। यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ना पूछ के उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो दूसरे ऑप्शंस हैं उन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप भी कई हद तक ये सिलेबस को कंप्लीट करने में मदद करेंगे और एग्जाम को पास करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। क्योंकि आप वैसे जितना भी पढ़ ले, क्वेश्चंस कुछ अलग ही लेवल के हैं, कुछ अलग ही टॉपिक्स या अगली बुक से हम बोल सकते हैं आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी बुक आपकी मदद नहीं करने वाली, आपको बस प्रीवियस ईयर पेपर को ही सॉल्व करना होगा। तो उसी सीरीज में यहाँ पे मैंने पिछले भी कुछ वीडियोस डाल रखे पेपर सॉल्यूशन के लिए, आप इन वीडियोस जरूर देखें और भी कई सारे वीडियोस डालते रहेंगे आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहें इस तरह के। आज हम 21 दिसंबर 2019 के सिर्फ वन के पेपर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आंसर के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे कि वो ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे कि उनको क्यों दिया गया था वहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विंडोज 98 वाज डेवलप्ड इन दिस ईयर। विंडोज 98 कब विकसित किया गया? तो 1994, 1998, 2004। तो ये एक याद करने वाला क्वेश्चन ही है क्योंकि इसको समझने वाला नहीं है। 1998 में आप पे विंडोज 98 जो है वो आई थी। अब यहाँ पे इस पेपर में 98 पूछा है, तो शायद अगले पेपर में और भी वर्जन के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी मदद से आप इनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखें विंडोज 95 में आया था, 98 में आया था, तो ये तो नॉर्मली है। विंडो एक्सपी जो है वो 2001 में आया था, मतलब 1999 से इसका स्टार्टअप शुरू हो गया था एक तरह से, मतलब एक तरह से इसका लॉन्च बोल सकते हैं हम। लेकिन वास्तविकता में जो आया था वो 25 अक्टूबर 2001 को आया था। विंडोज 7 2009 में आया था, यानी आप 2007 मत करके आना, 2009 में आया था ये। और विंडो 8 2012 में, और विंडो 10 जो कि लेटेस्ट चल रहा है वो 2015 में आया था। तो यहाँ पे आप इनको याद रखें, आप इस कॉपी पे इसको लिख लें ताकि आप प्रैक्टिस या जब आप एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले आप इसको रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक टेस्ट डॉक्यूमेंट का निर्माण संपादित फॉर्मेट स्टोर रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए डेटाबेस कहते हैं। द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग फॉर्मेटिंग स्टोरिंग रिट्रीवलिंग एंड प्रिंटिंग ए टेस्ट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डेस। यानी कि जिस डॉक्यूमेंट का निर्माण संपादित फॉर्मेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? आप जो भी वर्ड या टेक्स्ट के साथ प्रोसेस करते हैं, जैसे उसको कट करना, कॉपी करना, कुछ टाइप करना, उस कट जो डॉक्यूमेंट लिखा उसको प्रिंट करना, ये सारे काम हम डॉक्यूमेंट्स के जो भी काम होते हैं वो सब वर्ड यानी एमएस वर्ड में या ओपन ऑफिस में, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग जो काम होते हैं वो हम इसे वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं, जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं एमएस वर्ड या ऑफिस ओपन एक्सेस इस तरह के सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट डिजाइन क्या होती है? तो एक्सेल में जो हम काम करते हैं वो स्प्रेडशीट के अंतर्गत आता है। डेटा का निर्माण करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, इस तरह का अगर कोई टर्म्स आती हैं तो वो स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की बात होती है। वेब डिजाइनिंग थोड़ा अलग है, ये वेबसाइट डिजाइनिंग में काउंट होगा, तो वेबसाइट डिजाइनिंग जो करते हैं उसमें। तो डॉक्यूमेंट का निर्माण करना वेबसाइट डिजाइनिंग में नहीं आता। डेटाबेस प्रबंधन करना, यानी कि आपके पास कई तरह का डेटा है उसको आपको मैनेज करना है, तो इसके लिए आप वर्ड एक्सेल का यूज नहीं करेंगे, इसके लिए आप एमएस एक्सेस, फॉक्स प्रो इनका यूज करेंगे। तो ये क्या है? डेटाबेस प्रबंधन है, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का निर्माण करना, संपादित करना, मतलब उसको एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, तो ये सब चीजें हम एमएस वर्ड के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्रमुख रूटीन है जो मूल हार्डवेयर की जांच और परीक्षण करता है, तो एमबीआर, बीआईएस, पोस्ट और सीपीयू। तो हम पहले समझना होगा कि एमबीआर, बीआईएस, पोस्ट, सीपीयू होते क्या है। तो एमबीआर का मतलब होता है यहाँ पे मास्टर बूट रिकॉर्ड, BIS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, POST का होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और CPU का आप लोग जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या करता है? एक मास्टर बूट रिकॉर्ड मास्टर फाइल क्रिएट करता है जो कंप्यूटर के स्टार्टिंग के समय उसको बूट करने में मदद करती है, जो कि हार्ड डिस्क में सेव होती है। जबकि BIOS क्या करता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होते हैं कंप्यूटर को, उनको चेक करता है। BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे अंदर के जो इनपुट डिवाइसेस है वो बाहर के इनपुट डिवाइसेस है उनको कंट्रोल करता है। जबकि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन होते ही सेल्फ टेस्ट स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर में। आप जब भी कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग के समय पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि POST स्टार्ट होता है, जो BIOS को चेक करता है, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को, ठीक है, जो रिकॉर्ड कहां से आता है? MBR से। तो ये बूटिंग के समय तीनों चीज के लिए यूज होता है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो MBR का फुल फॉर्म, बायोस का फुल फॉर्म, पोस्ट का फुल फॉर्म, सीपीयू का, चारों लिखे हुए हैं, आप इनको याद रखें इनके डेफिनेशन के साथ। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड, मास्टर फाइल्स होती है जिनको बूट के समय यूज किया जाता है। बायोस का होता है बेसिक इनपुट सिस्टम। POS होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो पावर ऑन होते ही एक अपने आप ही टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जो बेसिक इनपुट सिस्टम को चेक करता है, ये एक सॉफ्टवेयर सी है। और CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है उसे हम CPU बोलते हैं, जो पूरे सिचुएशन को या पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। CPU बूट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये थोड़ा अलग है। तो ऊपर के तीन बूट से रिलेटेड है, तो आप इनको याद रखें, MBR, BIOS और पोस्ट, इनका क्या काम है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर पोर्ट नहीं है। तो यहाँ पोर्ट का मतलब जो स्लॉट या जो खांचा होता है जिसमें हम कोई भी चीज कनेक्ट करते हैं उसको पोर्ट बोलते हैं। तो यूएसबी का पोर्ट होता है, आपने देखा होगा पीछे की तरफ, इस चित्र की मदद से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हर एक पोर्ट के बारे में नाम दिया गया, तो आप इनको नाम याद रखें। सबसे ऊपर जो दे रखा है यह है पोर्ट, PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट जो पहले के माउस आते थे वो PS2 टाइप के आते थे, आजकल तो माउस और कीबोर्ड यूएसबी टाइप के आ रहे हैं। तो आपने देखे कंप्यूटर में यूएसबी कीबोर्ड माउस लग जाते हैं, लेकिन पहले 6 पिन का कनेक्टर आता था। पिछले सीपीसीटी एग्जाम में पूछा गया था कि PS2 पोर्ट में कितनी पिन होती हैं, तो यहाँ पे 6 पिन होती हैं, आप गिन भी सकते हैं यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इस बार एग्जाम में थोड़ा उससे हटके दूसरा क्वेश्चन पूछा, लेकिन पोर्ट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो आप इस तरह से पोर्ट को सभी को याद रखें। तो PS2 पोर्ट इसे ग्रीन कलर का दे रखा है, यह है माउस के लिए, और जो इस तरह का कलर का दे रखा है पर्पल, यह है PS2 पोर्ट के लिए। तो आप इन दो नीला कलर दे रखा है जो, सॉरी, तो ये दे रखा है PS2 पोर्ट के लिए और ये वाला है माउस के लिए। इसको आप लेफ्ट राइट से भी याद रख सकते हैं, बाकी इन पे थोड़ा सा आइकन भी बना होता है, इस माउस का चित्र बना है इस पर, इस पे कीबोर्ड का, और बाकी केबल्स में भी कलर होते हैं, तो उनसे भी आप इसको पहचान सकते हैं। दूसरा होता है यूएसबी पोर्ट, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो भी हम डिवाइसेस आजकल जो आ रहे हैं सभी यूएसबी में सपोर्ट करते हैं। प्रिंटर भी पहले वैसे आते थे पैरेलल्स में, लेकिन अब वो भी यूएसबी में आने लगे हैं। ये ईथरनेट यानी इंटरनेट की केबल जो आप कनेक्ट करते हैं, ये उसका पोर्ट है, ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं इसको हम, या इंटरनेट पोर्ट बोल सकते हैं। ये होते हैं सीरियल पोर्ट डायल अप मॉडेम के लिए, और ये होते हैं पैरेलल पोर्ट प्रिंटर के लिए। जैसे मैंने बताया अभी भी फोटोकॉपी मशीन जो बड़ी प्रिंटर्स आते हैं उनमें इस तरह का प्रिंटर्स पोर्ट दिया जाता है ताकि वो इससे कनेक्ट कर सके। और जो सीरियल पोर्ट्स होते हैं जॉयस्टिक वगैरह आते हैं गेम खेलने के लिए, उनके पोर्ट पहले ऐसे आते थे तो वहां पे हम इसमें यूज करते हैं, लेकिन आजकल वो जॉयस्टिक भी यूएसबी में और प्रिंटर भी आजकल यूएसबी में आने शुरू हो गए हैं, तो यूएसबी पोर्ट ही आते हैं। लैपटॉप्स में आपने देखा होगा ये पोर्ट हमको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि अब ये एक तरह से चले जा रहे हैं, इनका जो जनरेशन एक तरह से वो जा रहा है, नया आ गया यूएसबी। अगला है वीजीए पोर्ट, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें आप मॉनिटर की वीजीए केबल को कनेक्ट करते हैं, और जैसे मैंने बताया ये भी जा रहा है, इसके जगह पे HDMI पोर्ट आ गया है। HDMI पोर्ट जो हाई डेफिनेशन वीडियो इमेजेस को ट्रांसफर करता है, तो HDMI केबल्स का यूज किया जाता है आजकल। तो CPUs में भी लैपटॉप्स में भी आजकल वीजीए पोर्ट हटा के HDMI को लगाया जा रहा है, ये मॉनिटर के लिए होता है। इसके अलावा स्पीकर लाइन इन माइक्रोफोन, ये स्पीकर्स के लिए है, आप माइक कनेक्ट करना चाहते हैं, हेडफोन कनेक्ट करना चाहते हैं, या कोई वूफर या स्पीकर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए 3.5 mm जैक जिन्हें हम मोबाइल्स में भी यूज करते हैं, ये वही पोर्ट है जो मोबाइल में लगता है। इसके बाद गेम पोर्ट या एक्स्ट्रा है, ये बहुत से कम सीपीयू में मिलता है, अगर आपके में दिया हुआ है तो ठीक है, बाकी बहुत कम सीपीयू में देखने को मिलेगा। ये भी जॉयस्टिक खेलने के लिए गेम का यूज करते हैं, ये डायल अप नेटवर्किंग और भी डिवाइस होते हैं उनको यूज करते हैं। तो इस तरह से सिस्टम के पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके ऑप्शन मैंने आपको बता दी, वीजीए की जगह HDMI ने ले ली और इनकी जगह यूएसबी ने इंटरनेट पोर्ट दे रखा है यहाँ पे, और ये माउस के लिए होते हैं। तो इसमें आप देख पाएंगे यूएसबी है मेरे पास, प्रिंटर या पैरेलल पोर्ट, हाँ तो ये है पोर्ट, ईथरनेट या नेटवर्क केबल, तो ये है मेरे पास, यहाँ पे बैकअप, तो एक सिस्टम होता है इसमें हम बैकअप से फाइलों को एक दूसरी जगह पे स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे बैकअप का कोई पोर्ट नहीं होता, तो ये आंसर इसका सही है, यानी इनमें से पोर्ट नहीं है, बैकअप एक पोर्ट नहीं है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सेस से अलग है, नियंत्रण यूनिट, अंकगणितीय यूनिट, रजिस्टर, मुद्रक। तो आंसर सिंपल है, प्रिंटर। और कैसे है तो आप इस डायग्राम समझें, जो हमारा सीपीयू होता है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, आपने सिस्टम स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा एक वीडियो है कंप्यूटर स्ट्रक्चर के ऊपर, आप उसको जरूर देखें, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में इसको समझाया गया है। ओवरऑल आज मैं फिर से बता देता हूँ, इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में इनपुट के लिए दी जाती है, और आउटपुट डिवाइस जिनसे रिजल्ट आता है, बीच में क्या चल रहा है, तो बीच में प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को यहाँ तीन हिस्सों में बांटा गया है,
कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, सीयू, एएलयू और मेमोरी। मेमोरी के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्स, कैश, इस तरह की और भी मेमोरीज होती है। तो रजिस्टर्स जो है वो इस सीपीयू का ही भाग है, एएलयू भी इस सीपीयू का भाग है और कंट्रोल यूनिट भी इसका भाग है। तो सीयू क्या करता है, पूरे कंडीशन को कंट्रोल करता है, जो भी हमने उसको ऑपरेशन दिया है, जो भी हमने इनपुट दिया है उसको कंट्रोल कर, उसको कंट्रोल करने के बाद फिर वो डिसाइड करता है कि अब क्या करना है उसका। फिर एएलयू क्या करता है, अगर हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसको दिए हैं जैसे जोड़ना घटाना, तो ये काम एएलयू करेगा और एएलयू ये काम कर लेगा, उसके बाद कंट्रोल यूनिट उसको उठा के मेमोरी में रख देगा और मेमोरी से वो अपने डेटा आउटपुट के रूप में हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। जो मेन मेमोरी होती है वो ये होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है वो अलग होती है। ये सीपीयू की मेमोरी है जो सीपीयू यूज कर रहा है, और जब हम डेटा को सेव करते हैं तब वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। तो सीपीयू को भी काम करने के लिए डेटा को कहीं ना कहीं तो सेव करना होगा, तो इस सीपीयू की खुद की एक मेमोरी होती है जैसे हम मेमोरी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो आप मेमोरी में वो हार्ड डिस्क वगैरह यूज ना करें अभी, यहाँ सीपीयू की मेमोरी की बात होगी। तो यहाँ पे प्रिंटर जो है वो सीपीयू का हिस्सा नहीं है, यहाँ ये तीनों चीज जो सीपीयू का टाइप्स है ये प्रिंटर सीपीयू का टाइप नहीं है, इसलिए ये अलग है उनसे। रजिस्टर भी एक तरह की मेमोरी का टाइप है। अगला देखते हैं यहाँ पे, कीबोर्ड पर कौन सा शॉर्टकट कर्सर को सुपरस्क्रिप्ट पर ले जाता है। तो हमें यह पता हो कि सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट होते क्या है। तो जब भी आप एमएस वर्ड में या किसी और डॉक्यूमेंट्स में टाइप कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने ट्वेल्थ लिखा, तो आपका ट्वेल्थ का जो टीएच है वो अगर ऊपर जाता है, अगर नहीं भी जाता, अगर हम ऊपर लेना चाहें, तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्लस, कंट्रोल के साथ प्लस शिफ्ट, मतलब कंट्रोल शिफ्ट और प्लस तीनों को साथ में दबाने पे आप टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं, यानी कि उस कैरेक्टर के ऊपर ले जाते हैं जैसा ट्वेल्थ में होता है। या एस स्क्वायर अब लिख रहे हैं तो एक्स के ऊपर टू को लिखना है तब, तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। बाकी उसे क्या होता है तो वो भी देख लेते हैं, आप एंटर करते हैं यहाँ पे। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से सुपर स्क्रिप्ट होता है और कंट्रोल प्लस से सब स्क्रिप्ट होता है। सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे आ जाता है, जैसे ट्वेल्थ में टी एच ऊपर जा रहा है, ऐसे लॉग में टेन नीचे आ रहा है। एग्जाम्पल सही है, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कुछ और लिखा यहाँ पे, थर्ड लिखा तो थ्री और आर डी जो है ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा तो हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस से लेके जाएंगे। ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंतर्गत वो ऑटोमेटिक चला जाता है अगर एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हैं, लेकिन अनके अगर दूसरे सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो वहां शायद ना जाए, तो आपको करना आना चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट से आप ले जा सकते हैं। या आप किसी वर्ड के ऊपर कोई और दूसरा वर्ड लिखना चाहते हैं जैसे एक्स स्क्वायर है ना, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई मैथ का फंक्शन लिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहाँ ए के ऊपर जो टू लगाना है आपको तो इसी से होगा, और नीचे लगाना है तो लॉग टेन वगैरह, जैसे कोई बेस में लिखना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बाकी के देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को छोटा कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से हम फॉन्ट के साइज को इंक्रीज यानी बड़ा कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट्स है उसके, ग्रेटर देन और लेस देन। कंट्रोल शिफ्ट एस का खास कुछ तो ऐसा है नहीं, बाकी कंट्रोल शिफ्ट एफ जरूर होता है जिससे हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आप इनको याद रखें। अगला देखते हैं यहाँ पे, एक प्रोग्राम है जिसे अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी बिना ही स्थापित कर दिया जाता है स्पाइवेयर, यानी कि एक तरह का वायरस जो कंप्यूटर को सिक्योर ना रहने दे, अनसिक्योर कर दे। तो मेल एक तरह का सर्विस है या एक तरह का इंफॉर्मेशन जो हम ले रहे हैं, तो ये कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना स्थापित कर दे। मेल तभी आएगा जब हम किसी को मेल देंगे, या फिर मेल अगर आ भी जाए तो उसे ओपन करने से अनुमति की कोई जरूरत नहीं है उसमें। यहाँ पे मेल तो नहीं होने वाला, कोई मेल हम किसी को भी भेज सकते हैं। एप्लीकेशन, तो ये प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं, अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम हमारी अनुमति से ही इंस्टॉल होगा, क्योंकि जब आप उसे इंस्टॉल कर रहे होते हैं तब वो पूछता है आपसे कि आपको इंस्टॉल करना है या नहीं। आपके सामने एक सिक्योरिटी मैसेज आता है यस या नो का, आप उसे यस करके इंस्टॉल कर देते हैं। एंटीवायरस, कंप्यूटर में एंटीवायरस डाला जाता है वायरस हटाने के लिए, और ये बिना हमारी अनुमति के नहीं डालेगा। लेकिन कई बार कुछ सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं उनके साथ लगते हैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है बिना हमारी परमिशन के, उसे हम बोलते हैं स्पाईवेयर, जो कंप्यूटर में रहकर हमारी जानकारी को दूसरे कंप्यूटर्स पर शेयर करता रहता है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करता रहता है। तो ये हमारी अनुमति के बिना काम करता है, इस चीज को बोलते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर और कुछ नहीं, एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है जो बिना हमारी परमिशन के कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे, याहू, गूगल, एमएसएन है, तो इंटरनेट साइट्स है ये, कंप्यूटर ब्रांड तो नहीं है, ब्राउजर्स नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो हम समझते हैं ब्राउजर्स क्या होते हैं, तो आप गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, मोबाइल्स में आप यूसी ब्राउजर,
इस तरह के जो ब्राउजर जिस पर आप नेट चलाते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है ब्राउजर, जिस पर आप ब्राउजिंग करने वाले हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आप तक इंटरनेट की पहुंच प्रदान कराते हैं, यानी कि वो कंपनी जो आपको इंटरनेट दे रही है उसे हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। कौन है? जियो है, BSNL है, एयरटेल है, ये कौन है? ये सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ब्राउजर क्या है? जिन पे आप नेट को रन कर रहे हैं। अगर ISP आपको नेट नहीं देगा तो ब्राउजर किसी काम का नहीं है, और इंटरनेट आपको सर्विस दे देगा और आपके पास ब्राउजर नहीं तो आप चलाएंगे किस पे? ठीक है, कंप्यूटर ब्रांड ये थोड़ी अलग चीज है। कंप्यूटर ब्रांड्स की अगर बात करें, ब्रांड्स की, तो ये कंप्यूटर में एक तरह से इस क्वेश्चन के हिसाब से सुटेबल नहीं है, वो थोड़ा अलग फील्ड में। और पहला इंटरनेट साइट्स, तो याहू एक वेबसाइट है, गूगल भी एक वेबसाइट है, MSN भी एक वेबसाइट है, तो ये इंटरनेट की साइट्स हैं जिन पे आप काम करते हैं। यानी ब्राउजर तो आपको खोल के दे देगा, और आपको कुछ काम करना है तो आपको कोई ना कोई वेबसाइट तो खोलनी होगी, तो वो साइट्स हैं। तो ये इसका आंसर इंटरनेट साइट्स है। अगला देखते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले माउस कर्सर को कहते हैं, तो जो पॉइंटर जो अभी आप देख रहे हैं इसे हम पॉइंटर बोलते हैं, तो ये एरो पॉइंटर ही है। आप इस एरो पॉइंटर को माउस सेटिंग से बदल भी सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये एरो ही रहता है, इसलिए इसको तीर सूचक बोलते हैं। कुंजी सूचक तो नहीं है, डिस्प्ले पॉइंटर भी नहीं है, स्ट्राइक पॉइंटर भी नहीं है, तो इसका आंसर है तीर सूचक। अगला है यहाँ पे इन ए सिक्वेंस फ्रेम, फ्रेम का एक अनुक्रम है। तो आप जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो होती क्या है? तो वीडियो होती है फ्रेम्स का एक कलेक्शन। कितनी फ्रेम्स का कलेक्शन डिपेंड करता है आपकी कैमरा क्वालिटी या कैमरे के ऊपर। जैसे आजकल जो CCTV कैमरे आते हैं उनमें 25 फ्रेम पर सेकंड का आता है, आप उसको सेट करके 60 फ्रेम पर सेकंड कर सकते हैं। इनकी वीडियो क्या है? बहुत सारे फोटोज का एक कलेक्शन जो 1 सेकंड में इतनी फोटो क्लिक करता है कि आप जब उसको एक साथ चलाते हो तो आपको वीडियो दिखता है। तो यहाँ पे फ्रेम का एक अनुक्रम क्या है? डिजिटल वीडियो। चित्र कोई फ्रेम का कलेक्शन नहीं है, चित्र एक सिंगल फ्रेम है या सिंगल फोटो बोल सकते हैं। एनालॉग चित्र भी एक सिंगल चित्र और चित्र फाइल भी एक सिंगल ही फोटो होता है, जबकि डिजिटल वीडियो कई सारे फोटोज से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको फ्रेम के रूप में जाना जाता है, फ्रेम्स का कलेक्शन बोलते हैं हम इसे। तो डिजिटल वीडियो क्या है? फ्रेम का कलेक्शन। एक वीडियो अच्छा होगा अगर उसमें फ्रेम पर सेकंड पे ज्यादा होंगे, तो डिजिटल फ्रेम का एक अनुक्रम है डिजिटल वीडियो। अगला है, जैसे जैसे नेटवर्क का आकार बढ़ता है निम्न उपकरणों में से किसमें आप अतिरिक्त एक्सेस प्रदान करने के लिए विभिन्न मल्टीपोर्ट कार्डों को प्लग कर सकते हैं। क्वेश्चंस तो पूछ ले इन्होंने ये, लेकिन अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाले। तो यहाँ पे हम बात करने वाले नेटवर्क पे जो पोर्ट्स होते हैं, नेटवर्क पे जो डिवाइस यूज होती है वो कौन कौन से होते हैं, तो आपके सभी डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा एक शॉर्ट नोट बना रखा है, आप वो देख लेते हैं और उसको थोड़ा समझ लेते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक इनके आंसर सबके मिल जाएंगे। और ब्रिज, रिपीटर, गेटवे, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में आप थोड़ी देर में जान जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने छोटा सा शॉर्ट नोट बना रखा है नेटवर्क डिवाइस के बारे में। नेटवर्क डिवाइस वे इक्विपमेंट हो जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर इलेक्ट्रिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, उसमें जिससे कि आप डेटा में शेयर कर सके। यानी कि नेटवर्क तो आप समझते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना या और दूसरी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके रखना, एक ही नेटवर्क पे इसे हम नेटवर्किंग बोलते हैं। नेटवर्किंग में कुछ डिवाइसेस यूज होते हैं जिनमें यह है रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज और राउटर। तो जानते हैं रिपीटर क्या होता है, तो सबसे पहले हम रिपीटर के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और इस सिग्नल्स को रीजनरेट करके रिप्लिकेट करके अंग भेज देता है। यानी कि आपके पास एक सिग्नल्स है जो आप एक निश्चित दूरी तक ही सेंड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर उससे आगे पहुंचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक रिपीटर जो उस सिग्नल्स को रिसीव करके फिर से उसको रीजनरेट करके अधिक रेंज तक उसको पहुंचा सके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिपीटर। तो इसका यूज कब किया जाता है, एक सिग्नल को एक जगह दूसरी जगह जाने में होता है, यानी कि एक सिग्नल दूसरी जगह बीक हो रहा है तो उसको फिर से रिपीटर रिसीव करके आगे पहुंचा देगा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स के रूप में। तो इस तरह से काम करता है रिपीटर। ये डिजिटल एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल को रिप्लेट कर सकता है, यानी एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल्स को। अगला है हब। हब क्या है? हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग बहुत सारे कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि हब का काम इतना है कि सबको आपस में कनेक्ट कर देगा, जबकि रिपीटर क्या कर रहा है, डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, जबकि ये सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके रखा है हब। ये OSI मॉडल के लेयर फिजिकल लेयर पर काम करता है, हब हो गया। तीसरा देखते हैं स्विच। स्विच लगभग थोड़ा बहुत हब जैसा लेकिन थोड़ा डिफरेंस है।
स्विचिंग नेटवर्क डिवाइस और नेटवर्क डिवाइस से सेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है, मल्टीपल ब्रिज भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम इसकी कार्यविधि समान ब्रिज के समान होती है, ये स्टार टॉपिज्म काम करता है, यानी कि स्विच क्या करता है, जो अलग अलग नोड पे कंप्यूटर कनेक्टेड है उनको आपस में डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। कौन करेगा? स्विच। इसके टॉपोलॉजी स्टार जैसी होती है, स्टार में सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं बिल्कुल वैसे। और इसका काम क्या है? डेटा का ट्रांसफर करने का। ये एएसआई मॉडल के लेयर 2 पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर। अगला है इसमें ब्रिज। तो ब्रिज क्या होते हैं? ये नेटवर्क डिवाइस है जो नेटवर्क सेगमेंट को आपस में जोड़ता है तथा डेटा फिल्टरिंग का कार्य भी करता है। यानी कि डेटा को भेजने से पहले डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है, यदि ब्रिज का डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाता है तो डेटा को भेजता है, अन्यथा वह डेटा को ट्रांसफर नहीं करेगा। ब्रिज का उपयोग डेटा सिग्नल और ट्रैफिक को मेंटेन करते हुए नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह ओएसआई मॉडल डेटा लिंक टू लेयर पर काम करता है। ब्रिज का काम यही है, डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क डिवाइसेस पे लेकर जाना, ब्रिज की तरह काम करना। अगला हमारे पास राउटर। तो राउटर एक इंटरनेट नेटवर्क डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ती है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें से डेटा के नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से भेजा जाता है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं। तो यहाँ पे राउटर का काम क्या है? डेटा पैकेट को डेस्टिनेशन तथा अन्य नेटवर्क पर राउटर से पैकेट भेजा जाएगा, इसलिए बिना राउटर के इंटरनेट काम नहीं करता। इसलिए ओएसआई मॉडल के 3 नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ऊपर वाले जो थे वो डाटा लेयर पे काम कर रहे थे, डेटा का ट्रांसफर कर रहे थे, जबकि राउटर जो है नेटवर्क लेयर पे काम करता है, नेटवर्क के लिए डाटा को प्रभावित करता है या ट्रांसफर करता है। तो ये है सभी के डेफिनेशन, ये लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है। आप इनको याद रखें, ओएसआई लेयर्स की मॉडल्स लेयर्स के बारे में, और इनके थोड़े थोड़े डेफिनेशन को थोड़ा सा सिमिलर करके देखेंगे, डिफरेंस करके देखेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएंगे। तो रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज और राउटर। क्वेश्चंस पे आते हैं वापस से। आकार बढ़ता है, नेटवर्क का आकार बढ़ता है, उपकरण में आप अतिरिक्त एक्सेस प्रदान करने के लिए मल्टी मोड पर प्रयोग करते हैं स्विच का। ऐसे अपने आप देखा, स्विच क्या है? कंप्यूटर नोड्स को आपस में कनेक्ट करता है, जबकि ब्रिज क्या करता है? डेटा का ट्रांसफर करता है एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क। रिपीटर क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है, गेटवे भी उसके डेटा को ट्रांसफर कर रहा है। स्विच क्या काम कर रहा है? स्विच करता है, यानी कि आकार बढ़ रहा है तो आप दूसरे स्विच को यूज कर सकते हैं। अगला है टेस्ट को अगली पंक्ति में स्वचालित रूप से ले जाने के लिए कहा गया जाता है। तो यहाँ बढ़ रहे, आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते ऑटोमेटिक टेस्ट अगर नीचे आ रहा है आपका पेज खत्म होने पे, तो इसे हम बोलेंगे रूलर रैप, यानी कि वो स्किल पे खत्म होने पे ऑटोमेटिक वो नीचे आ गया। लेकिन अगर वो नीचे नहीं आ रहा और आपकी विंडो तक जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे विंडो रैप, यानी कि विंडो स्क्रीन जहाँ तक है वहां तक जा रहा है। थर्ड होता है नो रैप, यानी कि आप लिखते चले आइए, पेज में लिखता चला जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये मैंने वर्ड पेड ओपन किया, यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइप करने के साथ साथ तो डेटा मेरा जा रहा है। ये रैप्ड रूलर देखिए ऑटोमेटिक नीचे आ गया, स्क्रीन यहाँ पे खत्म हुई। लेकिन अगर अब मैं इसमें जाऊं व्यू पर और मैं यहाँ पे रैप में आकर इसको कर दूं रैप टू विंडो, अब आप देखेंगे यहाँ पे रैप कब होगा? जब मेरी विंडो बंद हो जाएगी इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे कर दूं नो रैप, तो यहाँ पे मेरा जो मैटर है वो चलता चला जाएगा, यानी कहीं पर भी रुकेगा नहीं जब तक कि मैं एंटर ना दबा दूं। तो ये रैप के अंदर आता है। रैप का होता है पैक करना, वर्ड को पैक कर देगा, रैप कर देगा, जैसे हम गिफ्ट रैप कराते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे कूट लिखित पाठ्यांश, सिफर टेस्ट, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं इसको। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? तो साइफर टेक्स्ट, इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा इंस्क्रिप्शन के बारे में। कंप्यूटर या नेटवर्क्स पे किसी भी तरह का नेटवर्क हो, आप जब भी कोई एक डाटा किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं तो इसको एक कोड करके भेजा जाता है, ठीक है? इस कोड को ही हम बोलते हैं सिफर टोस्ट, सिफर टेक्स्ट। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज है। मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। व्हाट्सएप का यूज तो आप करते ही, व्हाट्सएप एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन का यूज करता है। या आपने कई बार व्हाट्सएप मैसेज भेजते समय ऊपर पढ़ा होगा, या आप किसी का प्रोफाइल चेक करेंगे तो एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा होगा। एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन क्या होता है? तो आपने यहाँ से एक मैसेज भेजा, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं मैंने यहाँ से एक मोबाइल नंबर अपने एक फ्रेंड को भेजा व्हाट्सएप पे। तो मैंने जो मोबाइल नंबर भेजा उस मोबाइल नंबर को हम बोलेंगे प्लेन टेस्ट, और जो मेरे फ्रेंड को मिलेगा वो भी होगा प्लेन टेस्ट। लेकिन इसके बीच में कुछ होगा, क्या होगा? तो जब आप प्लेन टेस्ट भेजेंगे तो व्हाट्सएप उसको इंस्क्रिप्ट करेगा,
और उस प्लेन टेस्ट को कन्वर्ट कर देगा एक साइफर टेस्ट में, यानी कि जो मैंने भेजा 9827 एक नंबर, उसमें प्लस वन की की ऐड हो जाएगी, यानी कि 9 की जगह 10 हो जाएगा, 8 की जगह 9, 7 की जगह 8 हो जाएगा, 4 की जगह 5, यानी हर एक नंबर में प्लस वन एक की चाबी, एक प्लस वन की ऐड हो जाएगी और वो संदेश मेरे पास पहुंचना शुरू होगा, मेरे से पहुंचना शुरू होगा दूसरे व्यक्ति के पास। इस बीच अगर रास्ते में कोई दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति उस मैसेज को रिसीव कर लेता है तो उससे वो रिसीव किया वो मैसेज किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो प्लस वन की के साथ ऐड होकर पहुंचा मोबाइल नंबर जो उस तीसरे व्यक्ति के लिए किसी काम का नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट जो है वो प्लेन टेस्ट ना होकर साइफर टेस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब साइफर टेस्ट मान ली तीसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुंचा, ये उसी व्यक्ति के पास पहुंच रहा है, तो पीछे से एक की भी उसके पास पहुंचेगी प्लस वन, जो मैंने व्हाट्सएप ने ऑटोमेटिक उस पर इनकोड कर दी थी, कोड कर दी थी। जैसे ही वो सेकंड वाले के मोबाइल में पहुंचेगा इंस्क्रिप्टेड कोड यानी कि वो सिफर टेस्ट, वो की भी उसके साथ मिलके उसको वापस से प्लेन टेस्ट में कन्वर्ट कर देगी और मेरे फ्रेंड को एक मोबाइल नंबर मिल जाएगा जो वो चाहता था। ये चीज नेटवर्क्स पे हो रही है, यानी कि कोड जो आप भेज रहे हैं वो डायरेक्ट कोड ना भेज के उसको रूप बदल के भेजा जाता है और जब वहां पहुंचता है तो वापस से अपने पहले वाले रूप में आ जाता है। तो जब उसका रूप बदलता है उस बदले हुए रूप को हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट या सिफर टेक्स्ट। कूट लिखित यानी कि कूट लिखित मतलब आप बोल सकते हैं इसको हिंदी है या तो वैसे अपन इसको बोलते हैं कोड करके या इंस्क्रिप्टिंग करके, है ना। और यह उसको डिस्क्रिप्ट किया जाता है यानी कि उस की का यूज करके उसको वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं आपको आसानी समझ में आएगा। मान लीजिए आप एक गुलाब जामुन ले लीजिए, आपका घर है और गुलाब जामुन आप एक शॉप पर होगा, उस गुलाब जामुन को अगर आप घर पे लेना चाहते हैं तो आप उस गुलाब जामुन को दुकान से उठाएंगे और उठाते हुए हाथ में लेके वो सीधा घर पे आएंगे तो आप समझ सकते हो उस गुलाब जामुन के साथ क्या होगा, उस पर धूल कचरा या बहुत सारी चीजें, यानी उसका रूप ही बदल जाएगा या कोई उसको ले भी सकता है, गिर सकता है, पुट जो गुलाब जामुन वो खराब हो सकता है। गुलाब जामुन मतलब वो आपका टेक्स्ट या वो आपका मैसेज जो आपके दूसरे को भेज रहा है। अब सही तरीका क्या होगा, आप दुकान से निकलेंगे उस गुलाब जामुन को आप पैक कर देंगे अच्छे से, पैक करने के बाद फिर आप उसको घर पे लेके खोल देंगे। तो यही तो हुआ इंस्क्रिप्शन, जो आपने पैक किया गुलाब जामुन, गुलाब जामुन गुलाब जामुन ही रहा, उसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता, तो वो क्या होगा एक तरह का साइफर टेक्स्ट या साइफर आइटम हो गया जिसकी मदद से आप उसको सिक्योर कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्रिप्टोग्राफी में आता है, उसी का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। बस ये है कि सीपीसीटी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं जो एमएससी लेवल या नेट एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा सही होंगे। ठीक है, अब आ रहे हैं तो हम इसको स्टडी कर ही रहे हैं, तो इनकेस अगर आपके क्वेश्चन अब से रिलेटेड आए तो आप इसको आंसर कर पाए कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है या डिस्क्रिप्शन क्या होता है या प्लेन टेस्ट क्या होता है, साइफर टेस्ट क्या होता है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस टैब का उपयोग करके वर्ड एस्टिमेट टेस्ट का अनुवाद किया जा सकता है। तो अब आजकल एमएस वर्ड 2007, 19 और 16 में भी रिव्यू टैब के अंदर एक ऑप्शन मिलता है जहां पे हम पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को एक दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपने अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है आप रिव्यू टैब पे जाकर अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट डॉक्यूमेंट जो है कम्प्लीटली उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड लैंग्वेज में जिस तो आपने सिलेक्ट किया होगा, तो रिव्यू टैब में होगा। तो आई होप आपको ऑप्शन समझ में आए होंगे। अगली वीडियोज में हम आगे और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।